अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो खुमार है वो वडोदरा शहर के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वडोदरा शहर में तरह तरह के आयोजन हुए हैं और उन्हीं में से एक आयोजन है, फ्री स्टीकर का वितरण किया गया है इस मंडल द्वारा, श्री युवक मंडल एरोरा पार्क में सुबह से फ्री स्टीकर का वितरण हो रहा है और यहाँ पटाखे चलाकर खुशियाँ मनाई जा रही है। भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ है, क्या कहेंगे आज आज स्टीकर का वितरण करें, कितना उत्साह है आज दिल में? बहुत ही ज़्यादा उत्साह है सबके अंदर, बच्चे बड़े लेडीज और जेंट्स सारे लगे हुए और सब सामने से स्टीकर लगाने के लिए आ रहे हैं, किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सब रुक रहे और स्टीकर लगवा रहे हैं। सुबह से आज कितने स्टिकर आपने अब तक लोगों को लगवा दिए हैं? तकरीबन 5,000 जितने स्टिकर अब तक लग चुके हैं। और ये प्रभु मुहूर्त में आज प्राण प्रतिष्ठा हो भी गई है अयोध्या में, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है आज पूरे भारत वर्ष में? पूरे भारत में ये 22 जनवरी एक मिसाल बन जाएगी और हर साल 22 जनवरी को इसी तरह से मनाना चाहिए, ऐसी हमारी ये दूसरी दिवाली मनाने की हर साल ये हमारी प्रबल इच्छा रहेगी। अगले साल भी भगवान राम जब 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे और अयोध्या में जैसा उत्सव मनाया गया था ऐसा ही उत्सव आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और आज मौका है रामलला की अयोध्या में पुनः प्राण प्रतिष्ठा का। जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है उसके तहत वडोदरा शहर में अलग अलग आयोजन किए गए हैं। एलोरा पार्क में मैं खड़ी हूँ और यहाँ अतिथि काफे द्वारा भाविक भक्तों को राम खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जय श्री राम के नारे लगाकर भक्त जो है वो राम खिचड़ी को प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भगवान राम को यहाँ भोग लगाया गया है और भगवान राम को 56 भोग लगाकर आज इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। एलोरा पार्क में अतिथि काफे है जहां पंकज संघवी और नलिनी संघवी द्वारा ये राम खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है। पंकज भाई आज कितना उत्साह है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अयोध्या मंदिर में? जो बेन एवं कहवा है कि आपने आज एवं लगे कि भगवान नो एक नवो जन्म अपने अहिया क्यों हो अने ए जे आपने एवं मानिए कि भाई ईश्वर की आस्था अपने राम जन्म में हिंदू आस्था में अपनी है तो ये सनातन संस्कृति माटे आज एक एवो एक दिवस है कि जे अपना केटला वर्षों वही आई गया कोई नी कल्पना नहोती कि आवो पण एक समय आवशे कि जे आपणे लोकोने साक्षी बनशू। एम कहेवाय कि आज एक नवी दिवाळी तो छे ज पण एक नवो आपणा जीवनमां एक दिवस आव्यो छे एवी आस्था बराबर अमारो आज समय छे। नलिनी जी आप क्या कहेंगे, कितना उत्साह है भगवान राम जी के पुनः प्राण प्रतिष्ठा का? मैं तो आज इतनी खुश हूँ कि मैं हजारों लाखों लोगों को खिलाऊं और एक पैर पे नाचूं, ऐसा लग रहा है कि आज राम जी का फिर से जन्म हो रहा है और हमारे देश को ये लावा हमको मिला है तो बहुत खुश हूँ मैं। आज कितने बजे तक ये वितरण होने वाला है? 5 बजे तक वितरण चालू रहेगा, 12 से 5 तक राम खिचड़ी है, बूंदी है और गांठिया है प्रसादी की और भगवान को हमने अन्नकूट का प्रसाद भी धराया है। आज भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया गया है और राम भक्तों को राम खिचड़ी का वितरण हो रहा है क्योंकि अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 500-550 साल बाद फिर एक बार हुई है और उसी का उत्साह आज वडोदरा शहर के राम भक्तों में बढ़ चढ़कर देखा जा रहा है।